वेलकम, स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सब लोगों का व्हील्स ऑफ व्हिस्की के आपके अपने मंच के ऊपर। और आप बोलोगे कि यार आज क्या खास है। खास ये है दोस्तों कि हम बियर सीरीज का वापस से आगाज करने वाले हैं। तो आपका सवाल होगा, भाई इसका पीछा क्यों छोड़ा था आपने? कारण ये रहा था कि लास्ट ईयर जब बियर सीरीज अपनी चरम पे थी, उस टाइम पे ठंड पड़नी स्टार्ट हो गई थी, विंटर्स आ गई थी और इसको टेक ओवर कर लिया था रम सीरीज ने। लेकिन फिर इस चिलचिलाती धूप को देखते हुए बियर सीरीज ने वापस से अपना जो पोजीशन है, अपना जो अस्तित्व है, उसको ढूंढ लिया है और वापस से हमारे इस मंच पे आ गई है। और आप लोगों के लिए स्पेशली एक जो बियर है उसका मैं रिव्यू करने वाला हूँ, जिसका नाम है होगार्डन वीट बियर। पी के बताएंगे आपको कि क्या आनंद आराम है इस बियर का। ये बियर 70 से ज्यादा कंट्री के अंदर इंजॉय करी जाती है, ओरिजिनली फ्रॉम बेल्जियम, व्हाइट बियर के नाम से भी जानी जाती है दोस्तों। और अगर मैं बात करूं इस बियर की लेगेसी की, तो 1445 से बियर ब्रू हो रही है, मतलब इतनी पुरानी है कि उस टाइम पे आपके फरिश्ते हैं ना वो भी नहीं फूटे होंगे। हाँ, मेरे फरिश्ते भी नहीं फूटे होंगे। अरे फूटने वाली बात मत करे करो, कई चीज जब ज्यादा फूट जाती है तो बहुत ज्यादा दर्द होता है, आप समझ ही गए होंगे। तो चलिए हम आगे चलते हैं और चेक करते हैं टेस्ट और नोजिंग हमारी होगार्डन बियर के। टाइम आ गया है इस बियर को ग्लास के अंदर पोर करने का और चेक करने का कि क्या यार इतनी स्पेशल क्यों है ये बियर। और आप लोगों को मैं एक चीज बता दूं दोस्तों कि इसका जो नाम है होगार्डन, वो पड़ा है बेल्जियम का एक विलेज था 600 साल पहले, जहाँ पे मॉन्क रहा करते थे। तो वहाँ पे ये बियर ब्रू होनी स्टार्ट हुई थी और वहीं से इसका नाम होगार्डन रखा गया है। चलिए इसको ग्लास के अंदर पोर कर लेते हैं। और इसको ग्लास में पोर करने का भी तरीका है, मतलब इस बॉटल के पीछे लिखा हुआ है, पहले आप इसको चिल करिए, उसके बाद 2/3 इसको ग्लास में डालिए, स्विल करिए, उसके बाद जो इसका टॉप ऑफ है उसको ग्लास के अंदर डाल दीजिए। ये तरीका है, तो चलिए इसी तरीके को हम अपनाते हैं। ठीक है, 2/3 हमने डाल दिया, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि पूरी जो पाइंट है वो मेरे मग के अंदर डाली जाएगी। तो चलिए इसको घुमा लेते हैं जैसा कि बॉटल के पीछे लिखा हुआ है, और इसको वापस से हम ग्लास के अंदर पोर करते हैं। ठीक है, तो ग्लास के अंदर हमारी ये बियर पोर हो गई है। और सबसे पहले हम बात करेंगे कलर की। कलर इस बियर का येलो कलर है, जेंटल येलो कलर है, जैसा कि आपको मेरे ग्लास के अंदर दिख रहा है, बहुत ज़्यादा डार्क येलो कलर नहीं है। और चेक करते हैं कि आखिर नोजिंग क्या बोल रही है इस बियर की। फ्रूटी अरोमा है एंड फ्रूट्स के अंदर भी स्पेशली जो ऑरेंज है एंड बनाना है उसके नोट्स मेरे को बहुत अच्छे तरीके से फील हो रहे हैं दोस्तों। अगर मैं आगे बढ़ूं तो हर्ब्स एंड स्पाइसेस के नोट्स भी अच्छे खासे मिले हैं मेरे को इसके अंदर से, और स्पेशली स्पाइसेस के अंदर जो कोरिएंडर है उसके नोट्स, उसके बाद में ब्लैक पेपर है, क्लोव्स है, उनके नोट्स भी मेरे को इस बियर के अंदर से मिले हैं। एक चीज़ तो कहनी पड़ेगी दोस्तों कि क्वाइट डिफरेंट नोजिंग नोट्स है इस बियर के। अगर मैं कंपेयर करूं विद अदर बियर जो मैंने अभी तक रिव्यू करी, तो थोड़े इसके अलग नोजिंग नोट्स हैं, और शायद यही नोजिंग नोट्स, यही चीज़, यही स्पेशल चीज़ इस बियर को डिफरेंट बनाती है। तो चलिए टेस्ट नोट्स चेक करके देखते हैं कि आखिर टेस्ट नोट्स क्या बोल रहे हैं इस बियर के, होगार्डन बियर के। क्रीमी ऑन द पैलेट्स, उसके बाद दोस्तों जो हर्ब्स एंड स्पाइसेस है उसका फ्लेवर मेरे को महसूस हुआ है। फ्रूट्स के अंदर जो सिट्रस फ्लेवर है वो आपको बहुत अच्छे से फील होएगा इस बियर के अंदर से। थोड़ी बहुत स्पाइसी है और उसके पीछे रीज़न है कोरिएंडर, और कोरिएंडर का फ्लेवर भी आप महसूस कर सकते हैं अगर आप थोड़ा बहुत आपकी जो टेस्ट बड्स है उस पर जोर डालेंगे, तो आपको जो कोरिएंडर है उसका भी फ्लेवर आपको महसूस हो जाएगा इस बियर के अंदर से। देखिए मित्रों, ये जो बियर है ये सिल्की स्मूथ बियर है, और अगर मैं बात करूँ कार्बोनेशन की तो मीडियम हाई कार्बोनेशन रहेगा इस बियर का। और अगर मैं कंक्लूड करूँ तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बियर है हमारी होगार्डन बियर। बात करें अगर हम ओवरऑल एक्सपीरियंस की, तो दोस्तों बहुत ही डिलीशियस स्टफ है, डिफरेंट है, टेस्टी है, बहुत ही अमेजिंग है। और जो फ्लेवर मुझको सबसे ज़्यादा पसंद आए जो इस बियर के अंदर से मिले, वो स्पेशली हैं कोरिएंडर, स्पाइसेस, सिट्रस, ईस्ट, और इन सब का जो कॉम्बिनेशन है दोस्तों वो बहुत ही यूनिक टेस्ट बनाता है इस बियर को। इतनी ज़्यादा जो तारीफ है वो तो बनती थी इस बियर की। और अगर मैं कंक्लूड करूं तो मैं एक ही चीज़ बोलूंगा दोस्तों कि मस्ट रिकमेंडेड बियर है आप लोगों के लिए। जिन लोगों ने इस बियर को टेस्ट नहीं कराया उनको तो
टेस्ट करना बनता है ये भी। बात करते हैं अल्कोहल बाय वॉल्यूम की, तो अल्कोहल बाय वॉल्यूम इस बियर का है 4.9%, मतलब इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है बियर, आप इसको नजाकत के साथ एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों प्राइस मैं नहीं बता पाऊंगा आपको, बिकॉज राजस्थान के अंदर ये बियर अवेलेबल नहीं है। आप चाहें तो इसको परचेज कर सकते हैं नियर बाय स्टेट से, मतलब मैं तो इसको गुड़गांव से परचेज करके लाया था, तो आपको भी वही पास पड़ेगा, वहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, बिकॉज एक बार तो टेस्ट करनी बनती है इस बियर को। लेकिन 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 एक सवाल आप सब लोगों के लिए कि कैसा लगा आपको आज का हमारा ये हो गार्डन भरा हुआ एपिसोड, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए हमारे इस वीडियो को, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले वो भाई लोग जिन्होंने व्हील्स ऑफ विस्की को अभी अभी सब्सक्राइब करने की इच्छा जाहिर करी है, मतलब आपने देखा है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन मतलब घंटी बजा दीजिए ताकि हमारे जो नोटिफिकेशन है वीडियोस के वो आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचते रहे। तो चलिए दोस्तों जाने का टाइम हो गया है, टाइम टू से गुड बाय, जल्दी आऊंगा नई बियर के साथ बियर सीरीज के अंदर, तब तक दुआओं में याद रखना, चीयर्स एंड गुड बाय।